तो हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर शो जिसको हम कहते हैं द परी शो, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके देश की बात, आपके काम की बात, आपके मतलब से जुड़ी बातें और सारी बातें जो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कम शब्दों में संक्षेप में आपको एक विश्लेषणपूर्ण जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं बिना किसी म्यूजिक बजाए, बिना आपका समय और एनर्जी बर्बाद किए हम पूरी जानकारी आपके सामने कम से कम शब्दों में पेश करने की कोशिश करते हैं। बिहार में चुनावी सरगर्मियां जो है बहुत आयाम पर पहुंच गई है। एक तरफ तो जेपी नड्डा साहब जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने नई टीम का उद्घोषणा कर दी है, नई टीम का उद्घोष कर दिया है। दूसरी तरफ जितेंद्र मांझी का वेलकम नीतीश कुमार जी ने खुले हाथों से किया है और उनको जेड प्लस सिक्योरिटी दे दी गई है। जेड प्लस सिक्योरिटी देने के बाद उनका जो पॉलिटिकल अहदा है वो रामविलास पासवान से भी कहीं ज़्यादा ऊंचा हो गया है और उनको इस तरह से रामविलास पासवान जो एनडीए के उच्चतम नेता थे उनसे भी ज़्यादा उनका अहदा हो गया है, जबकि चिराग पासवान जो है बुरी तरह से एलजेपी के प्रमुख जो है चिराग पासवान बुरी तरह से आक्रामित है और उन्होंने लगातार आक्रमण किया है नीतीश कुमार पर कि नीतीश सरकार जो है वो ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी की सरकार है और नीतीश सीएम नीतीश के खिलाफ उन्होंने कई सारे आरोप जड़ दिए हैं, लेकिन जितेंद्र राम मांझी के साथ में फिर से नीतीश कुमार दोस्ती निभाने के मूड में नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है जितेंद्र राम मांझी को एक प्राइज पे किया हुआ है, एक प्राइज उनको जो है वेलकम किट की तरह उनको जेड प्लस सिक्योरिटी दे दी गई है और रामविलास पासवान जी के पास में सिर्फ जेड सिक्योरिटी है, जो एक डिफ्रेंशिएशन समझ में आ रहा है, वो समझ में आ रहा है कि अपनी पुरानी दोस्ती को निभाने के लिए नीतीश कुमार जी ने ऐसा किया हुआ है। आगे देखते हैं कि क्या होता है। मैंने आपको सर्वे बताया था कल कि जब सर्वे हुआ तो नीतीश कुमार की सरकार को सिर्फ 7% जो एनडीए की सरकार है उसको सिर्फ 7% लोगों ने पसंद किया, जबकि तेजस्वी यादव और उनका गठबंधन जो है राहुल गांधी और कन्हैया कुमार के साथ में वो लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद किया और 200 सीटों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो है आरजेडी से की जा सकती है, लेकिन नीतीश कुमार सरकार या नीतीश कुमार गठबंधन जो है बिहार की जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उनका जो सुपड़ा साफ करने के लिए बिहार की जनता लगता है आमादा है, तो ये चीज़ निकल के सामने आ रही है। एक तरफ तो जहाँ पर हम देखते हैं कि बिहार में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ कैग की रिपोर्ट आ गई है। कैग की रिपोर्ट ने ये बताया है कि गुजरात में आयुष विभाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, आयुष विभाग की बहुत सारी कमियां कैग ने बताई है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आयुष विभाग को अपडेट नहीं किया है, खासतौर पर मानसिक रोग विभाग को अपडेट नहीं किया है, जिसमें खासतौर पर कई सारे बच्चे भी आते हैं और आया करते हैं मानसिक रोग विभाग में, और रिसर्च की कमी बताई है कि रिसर्च की काफ़ी ज़्यादा कमी आयुष विभाग में देखने के लिए मिली है। जो आवंटित राशि है उसको भी खर्चा नहीं किया गया, खराब मेडिसिन है, खराब खाना है, और ऐसे में आयुष मंत्रालय की काफ़ी आलोचना कैग के द्वारा की गई है। कंट्रोलर ऑडिट जनरल जो रिपोर्ट पेश करते हैं पिछले 2 सालों में उनकी रिपोर्ट को आम नहीं किया गया है, मोदी सरकार ने उनकी रिपोर्ट को दबा दिया गया था मोदी सरकार द्वारा, लेकिन अब कैग जो है खुलकर सामने आ रहा है, कैग की रिपोर्ट सामने आ रही, सरकार की काफ़ी सारी गड़बड़ियां नज़र आ रही है, बीजेपी सरकार की काफ़ी सारी गड़बड़ियां कैग के द्वारा नज़र आ रही है, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या क्या भ्रष्टाचार इस सरकार के सामने आते हैं। और एक और भ्रष्टाचार सामने आ रहा है कि बीजेपी और पीडीपी की सरकार ने कश्मीर में, जो कश्मीर में पीडीपी की गठबंधन की सरकार थी बीजेपी के, उसमें 10,000 करोड़ का गबन या घोटाला देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि 10,000 करोड़ जो है कहाँ गए पता नहीं है। कैग की रिपोर्ट के हिसाब से पहले कैग की रिपोर्ट को सिर्फ संसद में पेश किया जाता था या रख दिया जाता था यूं ही और पब्लिक नहीं किया जाता था, ये 6 साल में पहली बार कैग की रिपोर्ट को पब्लिक किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे घोटाले और गबन आगे आने वाले दिनों में आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें मोदी सरकार जो है अपने मनमाने ढंग से चीज़ों को चला रही है, मनमाने ढंग से पैसों को जो है प्रमोशन पर इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 10,000 करोड़ जो बीजेपी और पीडीपी की सरकार के थे वो भी प्रमोशंस में खर्चा कर दिए गए हैं शायद मोदी सरकार द्वारा। ऐसी बातें ऐसे गेसेस लगाए जा रहे हैं
विशेषज्ञों द्वारा। एक और चीज़ सामने आ रही है कि हमारे जाने माने उद्योगपति अनिल अंबानी ने लंदन की कोर्ट में, जो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे लंदन कोर्ट में अपनी पेशी दी, उन्होंने बताया कि लंदन की अदालत को बताया कि वो एक सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं, उनकी कारों के बारे में जो अफवाह फैलाई जा रही है वो मीडिया द्वारा क्रिएटेड अफवाह है, उनके पास में महंगी महंगी कारें नहीं हैं, फिलहाल उनके पास में एक ही कार है। उन्होंने 2018 में अपनी माँ से $5 अरब का लोन लिया था, उसके बाद में उन्होंने अपने बेटे से भी उधार लिया है और उनको वकीलों की फ़ीस देने तक के पैसे नहीं है। उन्होंने अपनी पत्नी के गहने बेच के 9.9 करोड़ रुपए मिले थे उनको, पत्नी के गहने बेच के, जो उनके पास में आखिरी प्रॉपर्टी थी पत्नी के गहने जो उन्होंने बेच दिए। उन्होंने बताया कि उनका जो खर्चा है वो उनकी पत्नी और उनका परिवार उठा रहा है, उनके पास में खर्चे के पैसे नहीं हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि उनके पास में वकीलों की फ़ीस तक के पैसे भी जुटाने की नौबत जो है, आप बुरी नौबत आ गई है, उनके पास में पैसे जुटाने तक के पैसे, वकीलों के पैसे जुटाने तक के लिए कुछ बेचने को अब बचा नहीं है। ऐसा उन्होंने चाइनीज़ बैंक के द्वारा उनके ऊपर किए गए केस की सुनवाई में उन्होंने आज ऐसा कहा। चाइनीज़ बैंक के द्वारा उन्होंने काफ़ी सारा उधार लिया था, जिसमें राफेल डील के चलते उनको ठेका मिला था, राफेल डील ऑफसेट साझेदारी का ठेका उनको मोदी सरकार द्वारा बनाया गया था राफेल डील में, और जिसके लिए उनको चाइनीज़ बैंक से लोन लेना पड़ा था। हालांकि बताया जाता है कि ये मोदी सरकार की नेग्लिजेंस है, जो उनको बिना अनुभव के, बिना किसी कंपनी के होते हुए भी उनको राफेल डील में ऑफसेट साझेदारी दे दी गई है, और ऑफसेट साझेदारी जो है यूं ही बिना एक्सपीरियंस के, और अभी तो उनके पास में पैसा भी नहीं था, फिर भी उनको ऑफसेट साझेदारी क्यों दी गई थी, ये एक बड़ा सवाल मोदी सरकार पर जाता है। और अनिल अंबानी ने जो अपनी बात कही, अपनी पत्नी के गहने बेचने की बात कही और अपने बेटे से उधार लेने की बात कही, अपनी माँ से $5 अरब उधार लेने की बात की, और ये सारी बातें ये बताती कि आखिर पैसा गया कहाँ है। अदालत द्वारा ये भी कहा गया है कि उनसे जो उनकी प्रॉपर्टी की सूची मांगी गई थी, जो उनसे सारी उनकी बिलोंगिंग्स की सूची मांगी गई थी, वो भी पूरी सूची नहीं है, उसमें भी गफलत के आसार जो है नज़र आ रहे हैं कि अनिल अंबानी ने कहीं ना कहीं सूची बनाने में भी गफलत की हुई है, ऐसा अदालत द्वारा बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी दाल जो है वो काली है, दाल में काला नहीं है, तो इसकी भी जांच करवानी चाहिए हमारे देश में कि आखिर इतना सारा उधार जो इन्होंने चाइनीज़ बैंक से लिया, पत्नी के गहने बेच दिए, माँ से उधार लिया और बेटे से उधार लिया, तो इतना सारा पैसा इन्होंने कहाँ खर्च कर दिया, इसकी भी जांच करवानी चाहिए सही तौर पर, जो मोदी सरकार नहीं करवाएगी। हम जानते हैं कि मोदी सरकार अपने दोस्तों के साथ में हमेशा पॉजिटिव बनी रहती है, जैसे ड्रग कांड में आप देखते हैं कि दीपिका पादुकोण आ रही है, सारा अली खान आ रही है, दुनिया भर की एक्ट्रेसेस आ रही है, ऐसा लग रहा है कि एनसीबी के ऑफिस के बाहर रेड कारपेट बिछ गया है, लेकिन कंगना रनौत जो खुद कहती है कि वो ड्रग्स की गुलाम थी, उसको किसी तरह का कोई नोटिस नहीं भेजा गया है। तो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी अगर है तो दोस्तों का दोस्त है, तो ये सब बातें मैं नहीं कह रही हूँ, सब लोग जानते हैं। जो अंधभक्त बुरा मानते हैं वो कमेंट्स में लिखिए कि उनकी क्या राय है, लेकिन मेरी राय ये है कि कम से कम हमारे देश के इंटरनेशनल लेवल पे छवि ख़राब नहीं की जानी चाहिए, जो पिछले कुछ दिनों में हो रही है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको उस दिन बताई थी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि नोम चोम्स्की, जो बहुत बड़े बुद्धिजीवी है और जिनके बारे में पूरी दुनिया में बात की जाती है, पूरी दुनिया जिनके फिलोसॉफी से इम्प्रेस्ड है, इन्फ्लुएंस्ड है, पूरी दुनिया उनकी बात सुनती है, उन्होंने बताया कि भारत में धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, और ऐसा उन्होंने कहते हुए काफ़ी नेगेटिव सेंस में मोदी जी का नाम लिया था। टाइम मैगजीन ने भी 100 इन्फ्लुएंसर लोगों में मोदी जी का नाम लिया है, लेकिन बहुत नेगेटिवली उनको इन्फ्लुएंसर कहा गया है कि बहुत नेगेटिव तरीके से ये इन्फ्लुएंसर है। और वैसे ही नोम चोम्स्की, जो इतने बड़े फिलोसोफर है पूरी दुनिया में, जिनका नाम है अमेरिका के फिलोसोफर है, उन्होंने बताया है कि जलवायु परिवर्तन, परमाणु युद्ध और अधिनायकवाद के चलते हमारी दुनिया में जो है धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र ख़त्म होता नज़र आ रहा है। खासकर उन्होंने भारत का उदाहरण दिया और ट्रंप साहब का भी उदाहरण दिया, तो उन्होंने मोदी जी की तुलना उन्होंने ट्रंप साहब से कर दी। तो ये एक
करारा तमाचा हमारे सिस्टम और हमारे सरकार के ऊपर है। शायद पता होगा बीजेपी को किस तरह से उनका इंटरनेशनल लेवल पर छवि खराब की जा रही है, किस तरह से छवि उन्होंने खुद अपनी टार्निश की है इंटरनेशनल लेवल पर, चाहे वो अनिल अंबानी का मामला हो, चाहे वो मोदी जी का टाइम मैगजीन में नेगेटिव इन्फ्लुएंसर के तौर पे लिखा जाना हो, चाहे नोम चोम्स्की का बताना हो कि धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र जो है वो ख़त्म हो गया है, ख़त्म सा हो गया है भारत देश में, और मोदी जी की तुलना ट्रंप साहब से करना हो, इस तरह की कई बातें निकल के सामने आती है। मगर अंधभक्त पता नहीं क्या खाते हैं, इनको नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है दुनिया में और किस तरह से हम लोग इस सब का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन नोम चोम्स्की ने यह भी कहा है कि छात्रों के द्वारा जो सड़कों पे निकलना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और अभी ये समय है कि आप सड़कों पे निकल सकते हैं, आप आंदोलन कर सकते हैं, आप अपने देश के लिए कुछ काम कर सकते हैं, अभी ही समय है। नोम चोम्स्की ने कहा कि अगर ये समय निकल जाएगा तो फिर बदलाव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और लोकतंत्र को बचाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो समय अभी है, अभी आइए, अभी सड़कों पर आइए, अभी आंदोलन कीजिए, अभी नई सत्ता बनाइए, नई पार्टियाँ बनाइए और लोकतंत्र को बचाइए। इस तरह से नोम चोम्स्की के विचार थे, जो बहुत बड़े फिलोसोफर है, मैं उनको पढ़ती रहती हूँ। आप भी अगर उनके कुछ आर्टिकल्स मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। अभी के लिए इतना ही, और इस वीडियो को मैं जैसे मैंने आपको बताया 5 से 6 लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।